उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का सीतापुर हुआ आगमन। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा पहुंचे सीतापुर की तपोभूमि नैमिषारण। 88,000 ऋषियों की तपोस्थली नैमिष धाम में हो रहे श्रीमद् भागवत पारायण महायज्ञ कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। नैमिषारण स्थित लालता देवी के किए दर्शन। आपको बताते चले उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के नैमिषारण में आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा का आगमन हुआ, जहाँ पर विभागीय अधिकारी व कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री जी का जोरदार स्वागत किया। श्री शर्मा जी ने नैमिषारण स्थित लालता देवी के दर्शन करने के पश्चात 88,000 ऋषियों की तपोभूमि प्रांगण में हो रहे श्रीमद् भागवत पारायण महायज्ञ में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक व शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए अयोध्या राम मंदिर पर आने वाले फैसले को लेकर बताया कि 500 से अधिक वर्षों बाद जो फैसला होने वाला है वो सर्वोपरि होगा। न्यायालय के आने वाले फैसले की प्रतीक्षा रहेगी। न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि होगा, उसी के आधार पर कार्य होगा। सीतापुर जिला ब्यूरो शिव नरेश पांडे की रिपोर्ट। और न्यायालय जो भी निर्णय देगा उसकी सबको प्रतीक्षा है। भारतीय जनता पार्टी का तो पहले से ही अपना एक एजेंडा तय है, सर्वानुमत के आधार पर या मनी न्यायालय के निर्णय के आधार पर। तो जो निर्णय आएगा उसका स्वागत। कल समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी अयोध्या में सौहार्द वातावरण बनाए रखने के लिए लोगों से बिल्कुल क्या किया? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जो सौहार्द, ये बड़ी अच्छी पहल है। सौहार्द बिगाड़ने वाले अगर सौहार्द बनाने की अपील करते हैं तो अब इसको बगला की जो प्रत्यय है उससे तुलना नहीं कर सकते। अच्छा सकारात्मक है। आजम खान ने एक बयान दिया है, रामपुर में बोले सरकार पर हमला किया है, कहें कि जो उनके साथ जाती हुई उसके लिए कहने के सरकार दोषी, इसके क्या? सरकार पारदर्शी है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, सबके साथ समान व्यवहार करती है। हाँ, ये अलग विषय है कि व्यक्ति छोटा है या बड़ा है, इसका भेदभाव सरकार नहीं करती है। जो गलत है गलत। आजम खान ने सरकार को जालिम का दर्जा दे दिया है। मैंने कहा ना, सरकार पारदर्शी है और सरकार हमेशा जालिमों के खिलाफ कार्रवाई करती आई है। इसलिए सरकार को मैं टिप्पणी किसी के उस पर नहीं कर रहा हूँ। किसने क्या कहा उस पर मैं कोई टिप्पणी करूँ, ऐसा मैं नहीं है। कि सरकार जो गलत काम करने वाले लोग हैं, जो नियम को ना मानने वाले लोग, उनके खिलाफ अगर कोई शिकायत आती है तो सरकार कार्रवाई करती है। तो सरकार का काम है कार्रवाई करना, सरकार पारदर्शी है, इसलिए कार्रवाई। क्या लगता है, फैसला ऐतिहासिक है? निश्चित रूप में 500 कुछ वर्षों के बाद किसी विषय का निर्णय हो तो इतिहास के पन्नों में जरूर दर्ज होगा। दिन भर की लेटेस्ट जानकारी के लिए, अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए।